अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पिछली क्लास का थोड़ा जायजा ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पिछली क्लास में हमने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ी थी, उसका तर्जुमा पढ़ा था और उसके आयत का मफहूम समझा था। और होमवर्क आपका ये था, सफा नंबर 11 में जो अल्फाज मांगे थे मैंने आप लोगों को कहा था कि वो तहरीर कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें दो सवाल हैं, सवाल नंबर 11 में देखिए। एक सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई है? तो जब मैंने आपको इन आयत का मतलब समझाया था तो आपको बताया था कि इस आयत में सवाल नंबर 9 में देखिए, मोमिनों की सिफात क्या बताई गई है, क्या खूबियां बताई गई है कि जब उनके सामने खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल उजड़ जाते हैं, यानी वो अल्लाह का बेनतहा खौफ रखते हैं। और दूसरी खूबी क्या बताई थी कि जब अल्लाह की आयतें उनके सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बहुत बढ़ जाता है। तीसरी क्या थी कि वो हर हाल में चाहे हालात कैसे भी हों अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखते हैं। चौथी खूबी ये थी कि वो पाबंदी के साथ सूरत नबवी के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। और आखिरी खूबी क्या थी, वो ये थी कि जो अल्लाह ताला ने उनको माल अता फरमाया है वो उसको ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। तो ये सवाल का जो आंसर है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है, सवाल लिखिएगा उसके बाद हेडिंग भी डालिएगा। और जो आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप, अभी आपको वीडियो के बाद व्हाट्सएप हो जाएगा तो आप उसमें से देख के उसको तहरीर कर लीजिएगा। दूसरा सवाल जो है वो है सवाल नंबर 12 में, और वो है दो गिरोहों से क्या मुराद है। हमने आयत नंबर 10 सवाल नंबर 10 में जब हम आयत पढ़ रहे थे तो उसमें दो गिरोह का गज़वा बदर के मौके पर जिक्र किया गया था। एक पहला गिरोह कौन सा था जो तिजारती माल लेकर अबू सुफियान की क़यादत में जा रहा था शाम से मक्का, तिजारती माल लेकर। एक तो वो ग्रोह था, रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुसलमानों को उन पर गलबा हासिल हो, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरे ग्रोह जो कि अबू जहल की क़यादत में 1000 के साथ आया था, कुफार के साथ बेनतहा हथियार के साथ असलाह के साथ, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए उससे भी बड़ी फतह दिलाने का वादा किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस दूसरे गिरोह पर फतह अता फरमाई जो कि कारीगर फतह। तो आंसर में क्या आएगा कि दो गिरोह कौन से हैं, एक गिरोह वो है जो तिजारती माल लेकर शाम से मक्का जा रहा था और उसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था, और दूसरा गिरोह कौन सा था, दूसरा गिरोह था जो कि जंगी तैयारी के साथ आया था और अल्लाह ताला ने उस गिरोह से मुसलमानों का मुकाबला कराया और मुसलमानों ने तारीखी फतह हासिल की। तो दोनों सवाल के आंसर आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे तो आप समझिए। उसके बाद सवाल नंबर 12 में है आयात की तराजीम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसकी आपको वर्कशीट जा चुकी है, और अगर किसी ने नहीं ली तो फर्ज देखवा कर ले लीजिए, आपको इसकी जो तराजीम है वो वर्कशीट में करनी ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमें पढ़ना है, उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ ठीक है। अब हम आज जो हम पढ़ेंगे वो है सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 11 से 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस युक्षीकुमुन नासा अमनतम मिन्हु युनज़िलु अलैकुम मिनस्समाए माअल मुतहिरकुम बिही वयुज़हिबा अनकुम रिज़्ज़ शैतानि वलियर्बिता अला कुलूबिकुम वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम। इस यूं ही रब्बों का इलाज मराए करते अन्नी माँ को सब देखो लजीना आमनु चाहल के ये खुलूबी लजीना कफर रूबा पद्रे बुन कफर आना पे वद्रे बुन मिन बुन कुल्ला बनान जादी का भी अन्ना ही छा कुल्ला हा वरसूल हो मैं शाह के वाहा वरसूल हो पाइन्ना वाहा शरीफ के पाप जाले कुम फजूर कुम हो वाला दिल का फिरीना अजाबन नार يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار من يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلَيُبْلِيَكُمْ
اسورت وان الله مع المؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو اشارہ فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, میں ابھی کافروں کے دلوں میں دو کو ہیبت ڈال دیتا ہوں, تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو. اس سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی, اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. اے اہل ایمان, جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے, یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے, ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ جان ہی کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائے. بے شک خدا سنتا جانتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. کافروں, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو, اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے اپنے بہتر ہو, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے, اور تمہاری جماعت کو کتنی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. تو خدا تم مومنوں کے ساتھ ہے. ابھی آپ نے آیت نمبر 11-19 کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ سنا. آئیے ذرا اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی حالات و واقعات کا ہی ان آیات میں ذکر کر رہا ہے. کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ مسلمانوں کے کیا تھے, برعکس تھے, ان کے حق میں نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. جو ہتھیار تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے مسلمانوں کے پاس, اور جو جانور تھے وہ بہت کم تعداد تھے. جبکہ جو ان کی مخالف تھے کفار, وہ ان کے پاس بے انتہا ہتھیار تھے, بے انتہا جانور وغیرہ تھے. تو کسی بھی طور دونوں کا مقابلہ جو تھا وہ بالکل دونوں کا مقابلہ تھا وہ اس میں شکست مسلمانوں کو نظر آ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور کیسے مدد فرمائی؟ یہاں پہ ان کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ مدد کے موقع پر مسلمانوں کو کون کون سے انعامات عطا فرمائے. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی. جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو حالات بہت برے ہوتے ہیں, بے ان کا تھکاوٹ ہوتی ہے. غلبہ بدر کا صحرا کا میدان ہے, منا پانی ہے, دھوپ ہے اور ریت ہوتی ہے. تو ان حالات میں مسلمان جو تھے بے انتہا تھکے ہوئے تھے, اور کچھ مسلمان خواب میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں جنگ کے میدان میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے صبح جب جنگ ہونی ہے تو اس سے ایک رات پہلے مسلمانوں کو اتنی پرسکون یہ انعام عطا فرمایا کہ پرسکون نہیں عطا فرمائی کہ وہ بہت آرام سے سوئے, اور صبح جب وہ اٹھے تو وہ جو تھے تازہ دم ہو کے نکلے. جبکہ کفار ساری رات جاگتے رہے اور صبح جب وہ میدان جنگ میں آئے تو بے انتہا تھکاوٹ کا شکار. دوسرا انعام کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صحرا ہے, وہاں پانی ہے, ٹھیک ہے, اور بے انتہا تپتی ہوئی دھوپ ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی, جس کی وجہ سے کیا ہوا, موسم خوشگوار ہو گیا. مسلمانوں کو پینے کے لیے, وضو کے لیے, دوسرے کاموں کے لیے پانی میسر آ گیا. تو اس طرح سے باران رحمت کو جب نزول ہوا تو مسلمانوں کے لیے الگ طرف سے انعام ہوا. تیسرا انعام کیا ہوا؟ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے قطار در قطار جو ہے وہ آسمان سے نازل فرمائے, جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے کامیابی کی فتح حاصل کی. اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो, ये साबित कदम रहिए। मुसलमान हर मौके पर हालात कैसे भी हो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। और जब अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए, उनकी जब मुसलमानों को मुसलमानों की तादाद काफिलों को बहुत ज्यादा नजर आई, तो क्या हुआ, मुसलमानों की तरफ से काफिलों के उनमें मुसलमानों का रोग बैठ गया और वो खौफ ज्यादा हो गए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जब भी तुम्हारे को सामने आए तो क्या करो, तुम उनको कदम उनको सरमा कर उड़ा दो, उनका फोर फोर मार दो, यानी उनको बहुत इज्जतनाक सजा दो। और ये सजा क्यों मिले, इसलिए कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, वो अल्लाह के दीन की क्या है, मुनहरी थे, उससे फिरे हुए। और अल्लाह फरमा रहा है सफा नंबर 14 में, देखिए, जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। यानी जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, उनको मजबूरी करेगा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, बदतरीन सजा उन लोगों को देगा। और ये सजा तो क्या है, आगे क्या लिखा है भाई, यहाँ दुनिया में है लेकिन आखिरत में क्या किया अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए, मुनकरीन के लिए, अल्लाह ताला ने उनके लिए दोजख की आग तैयार कर रखी है, दोजख का अजाब तैयार कर रखा है। आगे अल्लाह ताला को फरमाता है, ऐ अहले ईमान, जब मैदान जंग में तुम्हारा कुफार से मुकाबला हो तो उनसे पीछा करना। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम मैदान जंग में जाओ तो इंतहाई बहादुरी से लड़ो, और कितने भी बड़ी तादाद के तादाद में कुफार हो, कभी भी मैदान जंग से भागने की कोशिश ना करो। और अगर एक जंगी हिकमत अमली हो कि जंग लड़ते हुए कोई आगे निकल जाए और से अपनी अलग हो जाए, लेकिन फिर वापस वो अपनी फौज में आकर मिलना चाहे तो वो आकर मिल सकता है, इस सूरत में वो अपनी फौज से अलग हो सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसका ठिकाना दोजख में बहुत ही बुरी जगह है, इन लोगों ने कुफार को पत्थर के बटे। अगर क्या फरमा रहा है कि तमाम मदद जो है वो अल्लाह की तरफ से हुई, क्योंकि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो मुसलमान इस जंग में हार जाते, लेकिन फिर उनका ईमान जो है वो कमजोर हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने उनका ईमान मजबूत करने के लिए और उनको उन पर एहसान करने के लिए ये मदद फरमाई। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी, रसूलुल्लाह ने जो बारी करी पत्थर की कंकरियां थी कुफार की तरफ फेंकी थी, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि वो अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने फेंकी थी। इससे क्या मुराद है, अल्लाह ताला की, ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है, और अल्लाह के एहसान को कभी ना भूलो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इसका ईमान कैसा है, बेचा खुदा सुनता जाता है, अल्लाह ताला हर बात से वाकिफ है। और अल्लाह ताला कितनी भी ही काफिर जो है कितनी भी प्लानिंग करे, तदबीरें करे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उनकी हर तदबीर से वाकिफ है और उनकी तदबीर को कमजोर कर देता है। आखिरी आयत में अल्लाह ताला काफिरों को तंबीह कर रहा है, हरी खबरदार कर रहा है, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पता चाहते हो तो तुम्हारे पास पता आ चुका है। देखो अगर तुम, यानी वो क्या कह रहा है कि अगर तुम अपने आमाल से बास ना आए तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी बुरी शिकत देगा जो अभी फतवाए बदलनी होगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने आमाल से अपने अफाल से बास आ जाओ तो तुम्हारे हाथ में अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम्हें कहना ना माना तो अल्लाह ताला क्या करेगा, इससे बुरा अजाब देगा, चाहे तुम्हारी तादाद कितनी ही ज्यादा हो, तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला किसके साथ है, अल्लाह ताला हर हाल में मोमिनों के साथ। तो ये इन आयात का मतलब था, आइए जरा इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। युक्षी वो ढांप देता है, तारी कर देता है, अनवासा ऊन गुरुदी रिजा शैतान है, शैतान की रियासत, अल आना गर्दने बनान को जोर जोर जो। जाफन लश्कर कशी की सूरत में, जंगी चाल के तौर पर मुताहिये जंग किला पे अतिन किसी फौज से जा मिलने के लिए, रवैता तूने फेंका लीव लिया ताकि वो आजमाए, मोमिनो कमजोर करने वाला। अभी आपका जो होमवर्क है, अभी आपका ये आपको नहीं करना, बल्कि आपको पिछली जो आयात है आपको उनके सवाल जवाब करने हैं, और बख्शी जो है आपके पास जो आपको आके लेंगे उसमें आपको ऐसी तरह जिंदगी होगी। आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज़।